मैं साहिल, आप देख रहे हैं एलान टाइम्स। हम देख रहे हैं कि इस वक्त ये वबा जो है कोरोना फिर दोबारा सर उठा चुकी है और इसका वैक्सीन भी मुल्क में आ चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं मुमरा कौसा शहर की और प्लस पूरे रियासत महाराष्ट्र की सियासी और समाजी एक नामो शख्सियत हैं, सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब, जो सबक राज्य मंत्री भी हैं। इन्होंने आज यहाँ पर टीकाकरण में हिस्सा लिया, जो मुहिम चल रही है उसका हिस्सा बने और इन्होंने उसका टीके का पहला डोज ले लिया। आइए मुझे जानते हैं कि इस बारे में कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं टीके को लेकर, जो लोगों में एक तरह से खौफ का माहौल पैदा है, उसको लेकर सैयद अली अशरफ भाई साहब क्या कह रहे हैं जी? बताएं भाई साहब कि जो टीकाकरण का जो मामला चल रहा है, लोगों में जो अफवाहें चल रही हैं इसको लेकर, आज आपने टीका ले लिया, पहली बात तो मुबारक हो आपको, आप आवाम को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? मैं आवाम को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप आइए और अपना ये टीका लीजिए, क्योंकि इस टीके के लिए हमने बड़ी दुआएँ किया। जब ये वबा बुरी तरीके से फैली हुई थी तो हम अल्लाह से एक ही दुआ करते थे, अल्लाह ताला इसका कोई तोड़ निकाल। आज हमारे पास तोड़ निकल गया तो हम उसको इस तरीके से अफवाह फैला रहे कि ब्लड क्लोट जमा होता है, ये होता है, वो होता है। आप यकीन मानिए कि मैंने वैक्सीन लिया है लगभग 2 बजे, 2 बजे मैंने वैक्सीन लिया और अभी इस वक्त जो है 8 बज रहा है, 5 घंटा हो गया, ना मुझे अक्कर आई ना मुझे चक्कर आई, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी अफवाहें भाई, खाली ये एक आध मरतबा किसी को वो रहता है इस तरीके का, लेकिन ये चीज़ें जो है बहुत अच्छी चीज़ है और इसको लेना चाहिए। और मैं मुमरा की अपनी आवाम से, इसीलिए मैंने मुमरा में ये टीका लिया, अपने स्टेडियम अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम के अंदर मैंने यहाँ पर जो सेंटर चालू हुआ इसके अंदर लिया, इसी वजह से लिया कि ताकि हमारे मुमरा कौसा के लोग, जो एक जहन में कहीं ना कहीं फैलाया जा रहा है, वो बंद होना चाहिए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल लोगों को मिलना चाहिए। कम से कम 1000 लोग आएंगे आपके पास,